भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, एनडीए के सभी घटक सदस्यों के प्रतिनिधि जो यहां उपस्थित है, शरद यादव जो एनडीए के संयोजक है उन सहित, और एनडीए के नवीनतम सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी के रामदास अठावले, विशेष रूप से आज की इस सभा में उपस्थित तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डॉक्टर जयललिता जी के प्रतिनिधि के रूप में, और वैसे लोकसभा में मेरे सहयोगी एआईएडीएमके के नेता थंबी दुराई, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, वेंकैया जी नायडू, संसद में दोनों सदनों में सहयोगी और दोनों सदनों में प्रभावी रूप से विपक्ष का नेतृत्व करने वाली सुषमा जी, अरुण जेटली जी मंच पर उपस्थित, एनडीए के अन्य नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेतागण, और सभा में उपस्थित बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, 60 साल से राजनीति में हूं, 10 साल राजस्थान में था, उसके बाद के 50 साल दिल्ली में रहा हूं, और इन 50 सालों में या 53-54 सालों में अनेक बार सभाएं देखी हैं इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर ऐसी सभा नहीं देखी। मैं सबसे पहले दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र जी, उनके सब सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस आज के आयोजन के लिए। और मैं जब आयोजन कहता हूं तो मैं केवल रामलीला मैदान की बात नहीं करता हूं, गाजियाबाद से चल करके रामलीला पहुंचते हुए जिस प्रकार का स्वागत सत्कार इस यात्रा का रास्ते भर में हुआ वह भी एक प्रकार से अपूर्व था। आज 40 दिन के इस यात्रा की समाप्ति हुई है और इस 40वें दिन पर जो मैंने अभी टिप्पणी की है उस टिप्पणी को ध्यान में रख करके मैं कह सकता हूं कि दिल्ली ने जिस प्रकार से यह समारोह किया है मैं अभिभूत हूं उससे, और उसकी इस भावना के लिए कोई कम मात्रा में मेरे पार्टी के अध्यक्ष या लोकसभा में विपक्ष की नेत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, और ये मेरे दोनों सहयोगी और एनडीए के सदस्य, उनमें भी विशेषकर शरद यादव जी, उनके भाषणों का कम योगदान नहीं है। मेरे पास क्या है, मुझे लगा कि जो कुछ कहना था वो तो उन्होंने कह ही दिया। हां, इतना मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार की यात्रा में जो टिप्पणी मैंने इस सभा के लिए की है
कि ऐसी सभा मैंने पहले कभी नहीं देखी रामलीला मैदान में। वह टिप्पणी मैं अनेक स्थानों की सभाओं के बारे में कह सकता हूं, क्योंकि उन सब स्थानों पर शायद ही कोई स्थान होगा जहां पर पहले मैं नहीं गया हूं। हिमाचल में अगर मंडी में गया था इस बार, तो अनेक बार पहले भी मंडी गया हूं, लेकिन कहना पड़ा और मुझे हिमाचल के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि ऐसी सभा मैंने कभी नहीं मंडी में देखी। इसी प्रकार की टिप्पणी मैंने पठानकोट में की, जहां अरुण जी मेरे साथ थे, कि मैं अनेक बार पठानकोट आया हूं लेकिन ऐसी सभा नहीं देखी। और इससे मैं कह सकता हूं, मैं एक एक स्थान का उल्लेख न करके मैं कह सकता हूं कि मैंने 6 यात्राएं जीवन में की हैं, लेकिन इस छठी यात्रा को मैं पूर्व की यात्राओं से भिन्न दो दृष्टियों से मानता हूं। एक, इसकी कमजोरी का उल्लेख करूं तो मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी कमजोरी इस यात्रा में मेरी यह रही कि आज तक मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मेरे नेता, जिनका हर कार्यक्रम में हमेशा मुझे सहयोग ही नहीं रहा, मार्गदर्शन रहा, साथ रहा, ये पहली यात्रा थी जिसमें वाजपेयी जी का सक्रिय सहयोग मेरे पास नहीं था, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य की स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती थी। 11 अक्टूबर को जब मैंने निर्णय किया कि 11 अक्टूबर से यात्रा शुरू करूंगा, बिहार से शुरू करूंगा, जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन शुरू करूंगा और जयप्रकाश जी के जन्म स्थान से शुरू करूंगा, तो उसकी पूर्व संध्या को 10 अक्टूबर को वाजपेयी जी के निवास पर जाकर के उनसे मिला था, उनको यात्रा के बारे में बताया था कि मैंने 40 दिन की यात्रा करने का निर्णय किया है और उनका आशीर्वाद देकर के चला था। इससे अधिक आशीर्वाद देने के अतिरिक्त वो किसी स्थिति में नहीं थे। ये एक कमी थी, ये अगर एक कमी थी तो मैं ये भी मानता हूं कि जो अनुभव देश भर में हुआ, पूरे देश की परिक्रमा करके 22 प्रदेशों में जाकर के, दिल्ली सहित 5 यूनियन टेरिटरीज में जाकर के, इन 27 के 27 क्षेत्रों में जाकर के जो अनुभव हुआ, वह अनुभव बताता था कि पूर्व की यात्राओं की तुलना में इस यात्रा में सफलता का कारण केवल मात्र मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम नहीं, वह तो था ही, पूर्व की यात्राओं में पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, उनकी मेहनत, उनका सहयोग, ये भले ही प्रमुख कारण था सफलता का, इस बार की यात्रा का प्रमुख कारण था जनता का समर्थन। ऐसा प्रबल समर्थन पहले कभी देखा नहीं। मैं जब जनता का समर्थन कहता हूं तो सब जगह मिला है, लेकिन मुझे जिसने सबसे अधिक प्रभावित किया वह तमिलनाडु का समर्थन था, जिस तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का बहुत काम नहीं, आज कोई सांसद भी नहीं, कोई विधायक भी नहीं, और बावजूद इसके जिस जहां से शुरू की यात्रा तमिलनाडु की, मदुराई से बारिश हो रही, भयंकर बारिश हो रही, कोई असर नहीं जनता पर, लोग डटे हुए हैं सुनने के लिए। केरल में भी इसी प्रकार से, जिस केरल में एक बार कालीकट में, कोझिकोड में भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय हमारे अध्यक्ष बने थे, उस कालीकट में, एर्नाकुलम में इस बार गया था तो 2 घंटे बारिश होती रही, कोई असर नहीं।
ये सब कुछ देख करके लगा के लोगों में गुस्सा है, लोगों में क्षोभ है, और वो क्षोभ है सरकार के आचरण के कारण। सुषमा जी ने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री जो उनकी साख थी, वह साख इस प्रकार के भ्रष्टाचार को देख करके मट्टी में मिल गई। क्या साख रही? नेहरू जी के समय में मैं पत्रकार था, पत्रकारिता के नाते सरकार को निकट से देखता था, आगे चलकर के बाकी सब सरकारें देखी और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक की सरकार देखी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक के बाद एक मंत्री सरकार के भ्रष्टाचार के कारण हटाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के कारण तिहाड़ जेल दे भेजे जा रहे हैं। पहली बार हुआ और कोई उनको चिंता नहीं लगती, कोई परवाह नहीं लगती। प्रधानमंत्री के कारण नहीं हटाए गए, हटाए गए तो कोर्ट के कारण हटाए गए, हटाए गए तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के कारण हटाए गए। जहां तक काले धन का सवाल है, महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, तो पिछले 2 साल में लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के इनिशिएटिव पर पूरा का पूरा विपक्षी दल प्रयत्न करता रहा है कि जवाब दो कि आप इतने घोटाले क्यों कर रहे हो, इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, लगातार फूड इन्फ्लेशन, रनवे इन्फ्लेशन इस प्रकार का। ये तो नहीं कह सकते कि कोई सरकार में, एस्टेब्लिशमेंट में, प्लानिंग कमीशन में आर्थिक सूझबूझ वाले कोई व्यक्ति नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री माने जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके अनेक बार घोषणाएं करने के बाद भी इतने समय में हम नियंत्रित कर लेंगे, कोई नियंत्रण नहीं। लगातार महंगाई बढ़ती रही है और फूड इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड होता रहा है। जो बातें सारी सुषमा जी ने इस संदर्भ में कही वो सर्वथा उचित है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं मानता हूं कि नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन अगर भ्रष्टाचार को रोक सकते। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं कि भ्रष्टाचार का कारण केवल मात्र लोकपाल का अभाव है। लोकपाल तो होना चाहिए, प्रभावी लोकपाल होना चाहिए। मैं पता लगाऊंगा कि अभी तक कमेटी में क्या निर्णय हुआ है, हमारी भूमिका क्या रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर देश में आज भ्रष्टाचार है, यह सरकार सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार मानी जाती है, तो उसका कारण कानून का अभाव नहीं है, भ्रष्टाचार को रोकने की नियत का अभाव है। इट्स अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल दैट इज रिस्पॉन्सिबल। और इस सभा को देख करके बधाई देते हुए भी विजेंद्र जी को मैं कहना चाहूंगा कि मेरी यात्रा पूरी हुई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग पूरी नहीं हुई है। और जो सुषमा जी ने कहा है, अरुण जी ने कहा है, अध्यक्ष जी ने कहा है और शरद यादव ने कहा है कि यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक देश को संतोष नहीं हो जाता कि हां, भ्रष्टाचार के ऊपर वास्तव में भारत ने विजय प्राप्त। आज प्रातःकाल मैं जब चला था गाजियाबाद से तो देखा कि बहुत कोहरा है, बहुत कोहरा, भयंकर। इस महीने में इतनी जल्दी हो जाए कोहरा, सर्दी तो अभी आई नहीं, तो भी इतना कोहरा कि कुछ दिखाई न दे। तब लगा कि ये तो कोहरा मौसम का कोहरा है और मौसम से ही कोहरा छट जाएगा। लेकिन जो कोहरा आज भारत की राजनीति पर छाया हुआ है इस सरकार के भ्रष्टाचार के कारण, वह कोहरा मौसम से नहीं छटेगा, सहज स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा। वह जाएगा तो जन चेतना से ही जाएगा,
जनमत से ही जाएगा, और अगर उससे भी नहीं जाता तो फिर इस सत्ता के परिवर्तन से जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। और वो स्थिति पैदा हो गई, काफी मात्रा में सरकार ने पैदा किए और काफी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने इतने वर्षों जिससे जो परिश्रम किया है, काम किया है, उससे की है। दो विषयों पर संसद में चर्चा हुई है, काफी हुई है, अनेक बार हुई है। महंगाई पर हुई है, और एक बार तो महंगाई पर सरकार ने भी कहा कि हम भी सहमत हैं और हम आपको वचन देना चाहते हैं कि हम इस मामले में एक्टिव होकर के और रोकेंगे, सामूहिक रूप से क्यों ना प्रस्ताव पारित कर ले, और मिलकर के एक प्रस्ताव बना जिसको पारित किया, कार्यान्वित नहीं हुआ। दूसरी बार सवाल खड़ा हुआ तो हमारी ओर से जब भ्रष्टाचार का मामला उठाया गया, हमने कहा कि हम तब तक दूसरी कोई चर्चा नहीं करेंगे जब तक आप ये स्वीकार नहीं करते कि इनमें सब विषयों पर या कम से कम 2G स्पेक्ट्रम स्कैम पर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं मानते। पूरा सेशन जाने दिया, नहीं माना, और कहा हम नहीं मानेंगे। विंटर सेशन हुआ 2010 का, जिसमें कोई कार्यवाही नहीं हो सकी क्योंकि सरकार नहीं मानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। लेकिन जनवरी का महीना आया तो उनको लगा कि अगर हम इसी प्रकार से और हठवादिता करेंगे तो हो सकता है कि बजट सेशन भी संकट में आ जाए, और तब उन्होंने मान लिया और मान करके एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जो अपना इस समय काम कर रही है। मुझे इस बात का खेद है कि अनेक बार पूछने के बाद भी, सवाल करने के बाद भी काले धन के विषय पर अभी तक सरकार ने कोई ढंग का वक्तव्य नहीं दिया है, जानकारी नहीं दी है। अखबारों में समाचार पढ़ते हैं 700 लोगों के नाम फ्रांस ने हमको दिए हैं, हमको नहीं बताए। क्या होगा आने वाले सेशन में मैं नहीं जानता हूं। मैंने तो मांग भी की थी एक बार के श्वेत पत्र प्रकाशित करो, लगता है कि तैयार नहीं है। अखबार में छपा कि 3 सांसद भी हैं जिनके के विदेशी बैंकों में खाते हैं। कौन है सांसद पता लगना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ये सारे के सारे सवाल आएंगे, और मुझे विश्वास है कि जो देश भर की यात्रा मेरी रही है उस यात्रा के बारे में सरकार को रिपोर्ट मिलती होगी, और उनको अनुमान लगा होगा कि काले धन के विषय में भी भारत की जनता इस बारे में बहुत। 2011 में रेस्टिट्यूशन ऑफ इलीगल एसेट्स एक्ट बनाया, उसके परिणाम स्वरूप क्या किया है, स्विट्जरलैंड ने क्या किया है, बाकी देशों ने क्या किया है, भारत सरकार ने उस दिशा में क्या कदम उठाए हैं, हम जानना चाहेंगे। और मैं अपनी ओर से इस यात्रा के समापन के रूप में मैंने बात की है एनडीए के हमारे अपने दोनों नेताओं से, एनडीए के सभी सदस्यों से, और उन्होंने सहमति मुझे दी है कि मैं इस बात की घोषणा करूं कि परसों पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, और सेशन शुरू होने के बाद पहले पहले सप्ताह भर में ही, एक सप्ताह के अंदर अंदर एनडीए के सब सांसद लोकसभा में है तो स्पीकर को लिख करके देंगे, राज्यसभा में है तो चेयरमैन को लिख करके देंगे। क्या लिख करके देंगे? एक घोषणा लिख करके देंगे, जो घोषणा होगी कि मैं यह घोषणा करता हूं कि भारत के बाहर के किसी बैंक में मेरा प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई अवैध खाता नहीं है, तथा विदेश में मेरी कोई अवैध संपत्ति भी नहीं है। ये डिक्लेरेशन हम लिख करके देंगे। अंग्रेजी में इसका अगर भाषांतर किया जाए तो होगा एड्रेस टू द स्पीकर लोकसभा और टू द चेयरमैन राज्यसभा
solemnly state and declare that I do not have, own, directly, indirectly, any bank account or assets illegally held outside India. यह घोषणा हमारे सभी सांसद, स्पीकर को और चेयरमैन राज्यसभा को लिख करके देंगे और यहां तक कर देंगे, हम लिख करके देंगे काफी। हाँ हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैश फॉर वोट्स के बारे में कल नितिन जी ने उन सब लोगों का अभिनंदन किया कि जिनको झूठी तौर पर फंसाया गया था, जो सचमुच जिन्होंने पर्दा फाश किया था इस कैश फॉर वोट स्कैंडल का और जिनको उसके बदले में अपराधी मानकर के जेल में भेज दिया। सुधीर कुलकर्णी जी, हमारे तीनों सगन कुलस्ते और महावीर भगोड़ा और अशोक अर्गल जो आज भी एमपी है, दो हमारे पूर्व सांसद, एक वर्तमान सांसद और सुधीर कुलकर्णी, ये चारों यहां पर है। कल इनका अभिनंदन किया, अभी सांसदों का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। दुनिया भर के देशों में खास करके लोकतंत्रीय देशों में, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, उन सब देशों में ऐसे कानून हैं कि जिनके द्वारा बेईमानी, भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्य करने वाले कुकर्मों को अगर कोई उसका पर्दाफाश करे, उसको अगर कोई एक्सपोज करे, तो उसको विसल ब्लोअर कहा जाता है और विसल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन के कानून बनते हैं। लोगों को आश्चर्य होगा, मैं जैसे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि मैं तो सुनकर के हैरान हो गया कि कुलस्ते जी को और महावीर भगोड़ा को, दोनों को जेल में भेज दिया। 6 सितंबर को यह घटना घटी। मेरी पहले की यात्राएं उनके पीछे की भूमिका लंबी चौड़ी होती थी, इस बार की यात्रा के पीछे की भूमिका केवल मात्र यह घटना थी। 6 सितंबर की घटना, सूचना पता लगा और रात्रि को 12 बजे मेरे घर पर बैठक की आकर के सुषमा जी ने और बाकी सारे लोगों ने कि ये इस प्रकार से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अच्छा होगा कि कल आप इस विषय को हाउस में उठाएं। मैंने कहा मैं जरूर उठाऊंगा, बहुत गलत बात हुई है। और अगले दिन 7 तारीख को क्योंकि एक बम विस्फोट हो गया हाई कोर्ट में, इसीलिए उस दिन न उठा करके अंतिम दिन 8 तारीख को उठाया और उठा करके मैंने कहा कि आपकी नजरों में अगर ये दो हमारे पूर्व सांसद अपराधी हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे पता था कि ये करने वाले हैं, और अगर मैं चाहता, मुझे लगता कि ये काम गलत है, इनको जो जितने करोड़ इनको मिलते हैं वो आकर के संसद में पटकने नहीं चाहिए, तो मैं इनको मना करता और ये रुक जाते, ये मेरी बात को टालते नहीं। और इसीलिए आपकी नजरों में मैंने दोनों के नाम लिए, प्रणब मुखर्जी जो सदन के नेता है, चिदंबरम जी जो गृह मंत्री है, मैंने कहा ये दोनों वरिष्ठ मंत्री यहां बैठे हैं, आपकी नजरों में ये हमारे जो साथी हैं जिनको मैं विसल ब्लोअर्स मानता हूं, ये अगर अपराधी हैं तो मैं इनका नेता, जिसने इनको रोका नहीं, मैं इनसे बड़ा अपराधी हूं, इनको आप छोड़ दीजिए, मुझे जेल में भेजिए। यह घोषणा मैंने उस दिन की, लेकिन बाद में सुषमा जी और बाकी मेरे सब साथी, उन्होंने कहा कि आपने अच्छी घोषणा की है, लेकिन उचित होगा कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करें और इस सारे कांड के बारे में बताएं। मैंने तब तक अध्यक्ष जी से बात कर ली थी और मैंने सोचा कि केवल मात्र सदन में एक घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, अगर कुछ करना है तो
तो देश भर में जाकर के सारे हिंदुस्तान को बताना कि यह सरकार कितनी भ्रष्ट है और कितनी निकृष्ट आचरण कर सकती है, और वो मैंने किया। और जो कुछ मैंने देश भर में देखा है उसने मुझे बहुत समाधान दिया है, बहुत बहुत समाधान दिया है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की स्थिति, रास्ते भर में लोगों का उत्साह, और उसमें खास करके यह बात सबसे अधिक आनंद देने वाली थी, कल मैं उत्तर प्रदेश में था, आज यहां था, कि जहां गया हूं समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है कि जो अछूता हो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, अध्यापक, व्यापारी, कर्मचारी, हर एक वर्ग, समाज का हर एक वर्ग पूरी तरह से जुड़ा हुआ इस सारी यात्रा के साथ, और कहते अच्छा किया। और अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति काला झंडा दिखाता था तो लोग कहते थे ये काला झंडा क्यों दिखा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार के समर्थक में हैं क्या, क्या कर रहे हैं, ये स्थिति होती थी। कुल मिलाकर के जो स्थिति देश भर में देखी वो तो बहुत मुझे आनंददायक लगी। और इस प्रकार से अध्यक्ष जी ने कहा ना, एक बहुत बड़ा समाधान तो इस बात का हुआ कि जिस घटना ने इस यात्रा को प्रेरित किया उस घटना का समाधान एक प्रकार से यात्रा समाप्त होने से पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ही कर दिया। ये ठीक है कि वो केवल मात्र बेल के सिलसिले में था, लेकिन जैसे सुषमा जी ने कहा कि निर्णय भले बेल के संदर्भ में हो, लेकिन जो निर्णय जिस प्रकार से कोर्ट ने लिखा है स्पष्ट है कि कोर्ट की नजरों में हमारे ये सभी लोग जिनको जेल में भेजा गया वो विसिल ब्लोअर्स थे, और जिन्होंने रिश्वत दी नहीं और केवल मात्र रिश्वतखोरी का रहस्योद्घाटन किया, पर्दाफाश किया। इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि सही बात हुई। और मुझे तो, मैं तो गुजरात का, मैं तो सोचता हूं अपने राजस्थान का भी सोचता हूं, क्योंकि 10 साल में राजस्थान में रहा। मैं जब वहां गया तो हमारी वहां की नेता वसुंधरा जी ने कहा कि आप ठीक समय पर यहां पर आए हैं, जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया यहां पर। और मैंने जब सुनी किससे कहानियां, मैंने कहा यह तो भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार तो होता है रुपए रुपए पैसों का, लेकिन यह तो दुष्टाचार है। और यह जो दुष्टाचार है वह तो निश्चित रूप से खत्म होना चाहिए। और समाप्त होते होते यात्रा लगा के पूरी की पूरी सरकार जा रही है, कई सारे मंत्री हटाए गए, कई मंत्री बदले गए, ये कुछ परिणाम हुए हैं कि जो तुरंत के परिणाम हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तब तक संतोष नहीं होगा देश को जब तक भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म नहीं होता, और हिंदुस्तान की जो बदनामी खास करके पिछले 2 साल में हुई है उस बदनामी से हम निकल करके एक शुद्ध छवि वाला देश बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सब समर्थकों को। एक मिनट और कहूंगा, एक मिनट, 3 नारे हैं जो मैं लगवाऊंगा, और वो नारे जो है उन नारे संबंधित है इस यात्रा के उद्देश्यों से। और उसके बाद इस यात्रा के लिए एक संकल्प गीत बना है, है नहीं? अच्छा, नारे ये है, पहला नारा है मैं कहूंगा भ्रष्टाचार, आप कहेंगे मिटाएंगे, खत्म करो नहीं मिटाएंगे, हमारा संकल्प है न रिश्वत देंगे न रिश्वत लेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। दूसरा नारा काला धन, आप कहेंगे वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। और ये 2 नारे इंप्लीमेंट हो गए तो एक नया देश बन जाएगा, क्योंकि अंदाजा है कि जो विदेशों में काला धन है उसके लिए ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी ने कहा है कि लगभग 25 लाख करोड़ हैं,
तो तीसरा नारा होगा, मैं कहूंगा भारत देश, आप कहेंगे नया बनाएंगे। भारत देश नया बनाएंगे, भारत देश नया बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत